परम पूज प्रातः स्वर्णी पूजपाद परमात्मा आराध्य श्री शोभन सरकार महाराज के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए परम सद्य परम आदरणीय परम सद्य गुरुवर दादा श्री संतोष राय जी का आशीर्वाद लेते हुए बाबा गुरु परम सद्य हीरा गुरु परम सद्य दादा जवाहर जित्ती जी एवं कमल कुमार त्रिपाठी जी उनके श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन करते हुए इस मोहना पंचायत की सभी जनता को क्षेत्रवासियों को जहां तक कि मेरी आवाज पहुंच रही है सभी को हृदय से नमन वंदन कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के आयोजक साहब परम सद्य हमारे जेपी वर्मा जी उनको उनके पूरे परिवार को हृदय से नमन वंदन कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के सभी कार्यकर्ता सभी को हृदय से नमन वंदन करते हुए आज पावन दरबार पूज्य भगवान गंगागिरी बाबा जी जीवित समाधि स्थल उनको नमन करते हुए उनके चरणों में अपने तन को समर्पित करते हुए आठों समाधियों का आशीर्वाद लेते हुए जितने भी दूर से श्रोता कीर्तन कलाकार यहाँ मौजूद हुए इस कार्यक्रम में सभी को नमन वंदन कर रहा हूँ। परम सद्य हमारे दादा साबिर खान जी उनको भी हृदय से नमन वंदन कर रहा हूँ। भैया हमारे ओमी भैया जी परम सद्य हमारे सच्चिदानंद भैया जी एवं आज सहयोगी पार्टी की भूमिका में एक बहुत ही सुरीली सक्षम बहुत ही सभ्य बहुत ही काबिल कीर्तन गारा आदरणीय श्रीमती राखी आजाद जी एवं उनके बहुत ही कुशल एवं सक्षम साथी कलाकारों को हृदय से नमन वंदन कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। हम दोनों कलाकारों में तीसरे कलाकार जिनके आगे हम दोनों कलाकार हैं बेकार हमारे काजल साउंड सर्विस के ऑपरेटर साहब प्रोपाइटर साहब सभी को हृदय से नमन वंदन कर रहा हूँ। बिल्कुल बेटे एक धन्यवाद और अभिनंदन वंदन कर रहा हूँ। आज सारी रात हम दोनों कलाकारों को कैद करेंगे केएस म्यूजिक चैनल प्रोपाइटर हमारे संजय चाचा जी आपको भी नमन कर रहा हूँ। हमारे विजय भैया और एक हमारा भतीजा है वैभव राज भक्ति चैनल उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ज्यादा कुछ ना कहते हुए इस कार्यक्रम के प्रांगण में मौजूद जितने भी अतिथिगण श्रोता कीर्तन कलाकार कीर्तन श्रोता कीर्तन बंधु सभी को हृदय से नमन वंदन करते हुए सामूहिक रूप से कानपुर महानगर की बहुत छोटी सी पार्टी सचदेवा सारथी एंड पार्टी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रही है। इस रात भर के कार्यक्रम में अगर हम बच्चों से कोई त्रुटियां हो जाएं तो अपना बोध बालक जानकर क्षमा करेंगे क्षमा करेंगे क्षमा करेंगे।
शुरुआत है बेटा हमारे लाल बड़े साहब बोले गंगागिरी बाबा की सच्चे दरबार की जय हनुमान जी महाराज की प्रजापालक विष्णु देव की जय ब्रह्म देव की जय करुण देव की जय वरुण देव की जय महादेव की जय वासुदेव की जय वासुदेव की जय वसुदेव की जय बल देव की जय कृष्ण देव की जय इष्ट देव की जय गुरुदेव की जय धरती माता की जय गौ माता की जय भारत माता की जय गंगा माता की जय यमुना माता की जय सरयू माता की जय धरती माता की जय भारत माता की जय धर्मदात्री माता की जय गुरुदेव भगवान की जय शोभन सरकार की जय योगेश्वर सरकार की जय बाबा सरकार की जय कली सरकार की जय सच्चे दरबार की जय गुरुदेव भगवान की जय सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा सदा
सदा सदा ऊपर लगा दें। हेलो हेलो छोटे इसको थोड़ा हेलो 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 आइए चलाओ। आदेश हुआ था कि पहले कार्यक्रम सचदेवा शरारती को चालू करना है। हमने कहा ठीक है चालू किया जाएगा। बिल्कुल वंदना गाने जा रहा हूँ और सारी व्यवस्था भी हमी को देखनी है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ पब्लिक भी बुलानी है और हमारे आयोजक साहब भी व्यस्त हैं। जब हमारा चक्र हो जाएगा तो वो आराम से बैठेंगे। यही शुभकामनाएं उनको भी मैं दे रहा हूँ। आइए चलाओ वंदना की ओर। बिल्कुल बिल्कुल चलो बेटे भूत गड़ा दिशे वितम कपीत जप फल चारु बाछण उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर सम प्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्वे कार्येषु सर्वदा। जयंती मंगिदा काली जय हो मैया भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमादात्री स्वास्वदा नमोस्तुते। ओम रामात्मा परब्रह्म सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरु यश बोध प्रभावेण सोषयामि भवारिधिम्। ओम नमो नित्यं परमहंसं गुरु श्री चंडिकायै नमो नमः। ओम नमो जानवी पांडो सिद्धपीठं बक्सरं श्री चंडिका मंदिरं नमः। ओम नमो नित्यं समाधि गुरु नमो नमः शोभन मारुत नंदनम। ओम नमो गुरुजनम देवम ईशम नमः शोभन मंदिरम। चलाओ
महामाई के चरणों में छोटी सी वंदना को लेकर, बिल्कुल बेटे, वंदना को लेकर चलाओ। माँ माँ, आपका आह्वान करने से पहले कलाकार कहते हैं कि वंदना गाने में फिल्मी धुनों का कोई महत्व नहीं होता। मैंने फिल्मी धुन ली ही नहीं, मैंने भजन की लाइनें बोल दी, बहुत बढ़िया, और कहा मैया मैया क्या तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन। बढ़िया बढ़िया, बताओ क्या करे मोहन। जब जब याद आता है तू, जब जब याद आता है मेरी आंखें भर आती है। लेकिन आज आज मैं माँ का आह्वान करने के लिए खड़ा हूँ, यानी वंदना गाने जा रहा हूँ। तो जब वंदना गाने जा रहा हूँ तो याद किसकी आई? किसकी बेटे? आपकी। आए माँ, आए माँ, आपकी याद आती है आके सर सारे दो मैया। आके स्वर सार दो मैया, मैया पीड़ा के तार दो मैया, मधुर झन कार दो मैया। मधुर झनकार दो मैया। पहली बात कह रहा है सचदेवा सरासी, क्या रागिनी राग की जानू न सरगम स्वर साध नामा। क्या वापसी है तुम्हारी बेटे? रागिनी राग की जानू न सरगम स्वर साध नामा। सुरले ये सुरले ताली का ना ताल, हाल फिल हाल मानना। भले ही लोग कहें कि सचदेवा सरासी एक कलाकार है,
मैं तो कहता हूँ मैया, फिलहाल मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, फिलहाल कोई कलाकार नहीं हूँ, हाल फिल सुर ले ताली का ना ताल, हाल फिल हाल मान नामा। फिलहाल मैं जब इस स्थान पे खड़ा हूँ तो मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, बस यही कह रहा हूँ मैया। काफिया काफिया छंद लदीप शब्द अलंकार दो मैया, पीड़ा के तार दो मैया, मधुर जने तार दो मैया, बंदना की दूसरी लाइन कह रही है क्या? उससे पहले कहना है, कहना कि भक्तों की सदा बिगड़ी बनाई है आपने, भटके हुओं को राह दिखाई है आपने, है बड़ा सहारा के दर्शन कभी दिखा दोगी, क्योंकि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा दोगी। अरे तीनों लोगों में मिलता तेरा अधिकार है मैया, वाह बेटे बहुत अच्छे शाबाश, और थोड़ा स्टाइल से अंदर अच्छा बात, वाह ये। अरे तीनों लोगों में मिलता तेरा अधिकार है मैया, ज्ञान की दाहिनी महिमा है, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, मेरे मन का आप भले ही ना दो, लेकिन ना मेरे मन का दो अपने ही तुम्हें अनुसार दो मैया, भले मेरे मन का ना दो अपने ही अनुसार कुछ ना कुछ दे दो। बिल्कुल बिल्कुल भैया, पीड़ा के मधुर जन कार दो मैया, तार दो मैया, मधुर जन कार दो मैया। एक लाइन और कह रही आखिरी, क्या कहना? जलाऊं दीप कैसे एक बहुत अच्छे लेखक हमारे सुमन दादा जी बैठे हैं, क्या बात, बहुत बड़े, उनको भी नमन कर रहा हूँ, बढ़िया लेखक हैं आप, सादर प्रणाम कर रहा हूँ, और आपने जो हमें आशीर्वाद दिया था उसका भी मैं सम्मान कर रहा हूँ। आइए कहना बड़ा, क्या जलाऊं दीप कैसे माँ अंदर मन में अंधियारा है।
कृपा करो कंठेश्वरी माता हमें तेरा ही सहारा जब तेरा सहारा है तो कंठ में ए नारे रे नारे रे दे रे नारे रे नारे मधुर रस धार दो मैया पीड़ा के तार दो मैया मधुर जन धार दो सरस्वती मैया की जय दरबार की जय। और ये वंदना की लाइनों में खुश होकर प्रथम पुरस्कार हमारे विजय स्टूडियो लखनऊ प्रोवाइडर हमारे विजय भाई साहब आपकी तरफ से ₹100 का आशीर्वाद आया है। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कार्यक्रम को आजीवन आप सुन सकते हैं। आइए आदेश मिला था। हेलो, हाँ देखिए दोनों ही कलाकार ध्यान दें। पहला चक्र जो होगा वो जवाबी से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। पहले चक्र में अपने आराध्य की आराधना और उसके बाद श्री बाबा गंगागिर के जीवन पे जो भी आप लिख के लाए हैं अपने घर से जो भी धुन है कोई उससे लेना देना नहीं है। दूसरी पार्टी को जो अपना गीत आप लिख के लाए हैं वो यानी पहला जो चक्र होगा उसमें कोई जवाब सवाल नहीं होगा। आइए मेरी तरफ से वंदना रही और आदेश हुआ है कि महाराज गंगागिरी महाराज जी के चरणों में जो भी आप लिख के लाए हैं उसको आप गाएं। आइए एक बहुत ही सस्ती सी धुन फिल्मी दुनिया वालों ने गा दी। कौन सी? हेलो हेलो। एक क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिसकी फितरत छुपी रहे। छुपी रहे नकली अरे नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। ओ आ
पी रहे नकली 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 चेहरा सामने आए असली सूरत नजरे चेहरा सामने आए असली सूरत जो पे रहे बजाते हो छोटे कहना पड़ा क्या गाना कह रहा है कि नकली सूरत सामने आए असली सूरत छिपी रहे। मैं बात कर रहा हूं इस स्थल में इस स्थिति है ये माता से रो वाली छोटे आप सभी लोगों ने यहाँ पे दर्शन किया होगा और जब दर्शन किया होगा यानी बाबा गंगा गिरी महाराज जी के दरबार में तो आप लोगों ने देखा होगा अरे स्थिति है इस स्थल में माता से रो वाली गणपति के पिता पूज मौजूद कपाली स्थित वो छायादार स्थित वो छायादार ब्रह्मदेव का स्थान यानी पीपल देव महाराज पीपल पे ब्रह्मदेव का वास स्थित है छायादार वो ब्रह्मदेव का स्थान शिव जी की प्राण प्रियतमा महाशक्ति काली जो क्षीर सागर में सोहे वैसे ही नारायण जिस प्रकार क्षीर सागर में नारायण लेटे हैं वैसे यहाँ पर भी नारायण लेटे हैं। हेलो हेलो और लीजिए आदरणीय श्री डॉक्टर साहब के पिताजी के द्वारा सचदेवा का स्वागत किया जा रहा है। आप लोग जोरदार ताड़ियों से इनका स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली हमारे दादाजी की बजा दे आप लोग परम सदे हमारे बड़े भैया हमारे डॉक्टर जेपी वर्मा जी के पूज्य पिताजी की तरफ से ये आशीर्वाद कुछ पुष्प हैं और कुछ पुष्प मुद्राएं हैं। आप तरफ से आशीर्वाद स्वरूप आए हैं। मैं सादर प्रणाम और वंदन कर रहा हूं और गाने को आगे बढ़ा रहा हूं। इस स्थल में इस स्थिति को माता से रो वाली गणपति के पिता पूज मौजूद कपाली उमेश भैया के इस स्थिति को छायादार इस स्थिति को छायादार ब्रह्मदेव का स्थान तो शिवजी की प्राण प्रियतमा महाशक्ति काली जो क्षीर सागर में सोहे वैसे ही नारायण जैसे क्षीर सागर में नारायण लेटे हैं इस स्थान में भी नारायण लेटे हैं भगवान जो क्षीर सागर में सोहे वैसे ही नारायण अरे शेष की है सैया शेष की है सैया लक्ष्मी दाबे चरण शेष की है सैया लक्ष्मी दाबे चरण अरे पूज यज्ञ देवता जहाँ होता है हवन पीर महापीर हनुमान का भवन
यानी जब ये मिले तो नगर पंचायत महोना के नगर पंचायत महोना का नगर पंचायत महोना के सुन लो हर एक प्राणी सुनो सुनाता हूँ इस स्थल की सच्ची कहानी। बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों का। और ये कहानी बात कर रहा हूँ ना अयोध्या मथुरा का सीना काबा की। मैं इनकी सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी तो बात हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन अरे बात कर रहा हूँ ना अयोध्या, बात कर रहा हूँ ना अयोध्या, मथुरा का सीना काबा की। अरे एक बार सब मिलकर बोलो जय गंगा गिरी बाबा की। जय हो बाबा, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों का। एक बार जोरदार जय घोष करेंगे, बोल गंगा गिरी बाबा की। हमारे परम सदे भैया, हमारे संतोष कुमार भैया जी कैडर, आप तो से 51 रुपए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और गाना कह रहा है क्या, बात कर रहा हूँ ना अयोध्या, बात कर रहा हूँ ना अयोध्या। दादा मारे परम सदे अंशु अवस्थी जी, ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच, मैं आपके चरणों में प्रणाम नमन कर रहा हूँ। अवस्थी जी गाना कह रहा है, बात कर रहा हूँ ना अयोध्या, बात कर रहा हूँ ना अयोध्या, मथुरा काशी ना काबा की। तो एक बार सब मिलकर बोलो जय गंगा गिरी बाबा की। एक बार सब मिलकर बोलो जय गंगा गिरी बाबा की। बनवाया पक्का तालाब, बनवाया पक्का तालाब, जन सैलाब बिसारा था। जब तालाब बन गया, लाखों का मजमा लग गया, जाने कितनी भक्तों की भीड़ आ गई। और जब भीड़ आ गई तो अरे बनवाया पक्का तालाब, जन सैलाब बिसारा था, कार हो गया पूर्ण तो होने लगा वहा भंडारा था। जब कार पूर्ण हुआ, जेपी भैया, जब कार पूर्ण हुआ तो भंडारा होने लगा, और उस भंडारा में एक कार बड़ा अजब हो गया। क्या बेटे क्या, भंडारे में घी की कमी पड़, घी की कमी पड़ गई। और जब कमी पड़ गई तो भंडारे में घी की कमी पड़, चिंतित हर एक प्राणी था। सब चिंतित हो गए, अब भंडारा आगे कैसे बढ़ेगा। भंडारे में घी की कमी पर चिंतित हर एक वो प्राणी था। आदेश मिला जब बाबा जी का, आदेश मिला जब बाबा जी का,
अरे घी बन गया वो पानी था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपकी तालियों के लिए। अरे वो पानी भी घी का कार्य करने लगा, और जैसे ही वो पानी घी का कार्य करने लगा, और कहते हैं कि जब ये तालाब बनवाने की जब आदेश जारी हुआ कि तालाब बनवाया जाए, तब की दिहाड़ी यानी मजदूरी रात की 50 पैसे और दिन की 25 पैसे, और जब बनके तैयार हो गया आदेश मिला जब बाबा जी का, भंडारे में घी की कमी पर चिंतित हर एक वो प्राणी था। आदेश मिला जब बाबा जी का, घी बने गया वो पानी था। जब पानी घी बन गया तो फिर से गूंज उठा जयकारा। क्योंकि इस तालाब को छेदा, इस तालाब को गंगागिरी बाबा ने नहीं, किन्होंने बनवाया? एक बात कर रहा हूँ ना अयोध्या, बात कर रहा हूँ ना अयोध्या ना मथुरा, बात कर रहा हूँ ना अयोध्या मथुरा काशी ना काबा की। अरे एक बार सब मिलकर बोलो जय गंगागिरी बाबा की। एक बार सब मिलकर बोलो जय गंगागिरी बाबा की। बनवाया पक्का तालाब, बनवाया पक्का तालाब, जन सैलाब बिसारा था। अरे कार्य हो गया पूर्ण तो होने लगा यहाँ भंडारा था। भंडारे में घी की कमी पर, ये भी भैया भंडारे के घी की कमी पर चिंतित हर एक वो प्राणी था। आदेश मिला जब बाबा जी का, घी बन गया वो पानी था। तो इस तालाब को जब बनवाने के लिए इस तालाब से जब पानी लाया गया और जब वो घी बन गया तो फिर से गूंज उठा जयकारा। जय हो जय हो। फिर से गूंज उठा जयकारा। अब बाबा बाबा गंगादास गिरी जी नहीं, अरे फिर से गूंज उठा जयकारा जय छेदा गिरी बाबा की। क्या बात है, क्योंकि ये पानी से घी की प्रक्रिया करने वाले छेदागिरी बाबा जी थे। बाबा तो कहना पड़ा क्या, फिर से गूंज उठा जयकारा जय छेदागिरी बाबा की। तो एक बार सब मिलकर बोलो जय गंगागिरी बाबा की। एक बार सब मिलकर बोलो जय गंगागिरी बाबा की। हमारे जेपी भैया ने बड़ी मेहनत करके हमको भेजी, तो हमारा भी दायित्व था कि इस गाने को जितना ही सुंदर लिख दिया जाए। कहना पड़ा क्या, गोद भराई बात खिलाई, गोद भराई बात खिलाई की हो पुराने जमाने से ये रस्में अदा होती चली आ रही है। कन्याओं की गोद भराई और उनकी मुंह दिखाई का कार भी यहाँ होता है। गोद भराई बात खिलाई होती
रस्म पुरानी है। श्रीवास्तव परिवार के द्वारा चढ़ती चादर भी सुहानी है। पहली चादर जब उनके द्वारा चढ़ाई जाती है, इसके बाद सबके द्वारा चढ़ाई जाती है। तो कहना पड़ा क्या? आस्था का प्रतीक है इस स्थल। सभी आस्थाओं का प्रतीक है ये। आस्था का प्रतीक है इस स्थल, कहते गुड़ी ज्ञानी है। और अगर बात अच्छी लग जाए तो सबसे आशीर्वाद चाहूंगा। कहते गुड़ी ज्ञानी है, कहते हैं दुख हरण द्वार। अरे कहते हैं दुख हरण द्वार, जिसका जलवा नूरानी है। इसको कहते हैं दुख हरण द्वार और जिसका जलवा नूरानी है। साबिर भैया, आस्था का प्रतीक है स्थल, कहते गुणीवा ज्ञानी है। अरे कहते हैं दुख हरण द्वार, जिसका जलवा नूरानी है। और जब पहली चादर चढ़ाई जाती है, हम तो कहते हैं जब जब चादर चढ़ाई जाती है, तो चढ़ी जो चादर गूंज उठी। क्या बात है छोटे, एक चढ़ी तो चादर गूंज उठी जय। अरे चढ़ी जो चादर गूंज उठी जय, महोना वाले बाबा की। तो एक बार सब मिलकर बोलो जय गंगागिरी बाबा की। एक बार सब मिलकर बोलो जय गंगागिरी बाबा के। ओ स्थल के लिखने के लिए तो तमाम बातें हैं भैया। हमारे चंद्रिका भैया मोहना, आज तो से सुबह का आशीर्वाद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पावन स्थान के बारे में दादा साबिर दादा लिखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात और दे रहा हूं। आठ समाधि नगर मोहना। क्या बात है छोटे, क्या बजाते हो समाधियां। आठ समाधि नगर महोना, अरे आठ समाधि नगर महोना, आठ समाधि नगर महोना में पावन विद्यमान मिली। यानी हमारे कमलगिरी बाबा, हमारे महंतगिरी बाबा, बाबा छेदागिरी दास बाबा, महंत जवाहरगिरी बाबा, स्वामी हरिहरानंदपुरी बाबा, परमहंसगिरी बाबा और बाबा मोहनगिरी बाबा। देवा, तो जब स्थान मिला तो कहना पड़ा क्या? आठ समाधि नगर महोना में पावन विद्यमान मिली। सभी धर्मों के लोगों का अरे करती ये सम्मान मिली। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, केवल सात समाधि पर, सात समाधियां। भैया हमारे परम सदे राजेंद्र वर्मा जी मोहना, आज से एक रुपए का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कहना पड़ा क्या? केवल सात समाधि पर एक जीवित श्रीमान मिली। एक जीवित समाधि यानी गंगागिरी बाबा की। जय हो बाबा। अरे केवल सात समाधि पर एक जीवित श्रीमान मिली। जो भी आया इनके द्वारे, जो भी आया इनके द्वारे, करती सबका कल्याण मिली। जब सम्मान करती मिली तो कहना पड़ा क्या? कहना पड़ा सातों के
गूंज उठी। आज जब आठ समाधियां देखी गई, आठ समाधियां देखी गई तो सातों के संग गूंज उठी, सातों के संग गूंज उठी जयकारे मोहन बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सातों के संग गूंज उठी जयकारे मोहन बाबा की। तो एक बार सब मिलकर बोलो जय गंगा गिर बाबा की। एक बार सब मिलकर बोलो जय गंगा गिर बाबा के। दादा राम सेवक यादव जी संरक्षक साहब माँ कलावती कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल नर्सरी से कक्षा 8 तक मस्ते मऊ लखनऊ, हमारे परम सदय राम सेवक भैया की तरफ से 500 रुपए का आशीर्वाद हमारे लिए आया है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां आप लोग बजावें। परम सदय आपके ही द्वारा, हमारे परम सदय राम सेवक यादव जी के द्वारा इस आयोजक समिति को 1100 रुपए का आशीर्वाद आपने भेंट किया। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां आप लोग पुनः बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये हमारे परम सदय लल्ला टिम्बर जी मोहना अत से 51 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी लाइन कह रही भैया क्या, सावरिया ने शब्द सुमन के अरे सावरिया ने सब्द सुमन के चुन 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 कर, सावरिया ने सब्द सुमन के चुन चुन कर हार बनाए हैं। इस शब्दों का हार बना दिया सावरिया जी ने हमारे, यानी हमारे लेखक महोदय। वाह गुरु वाह। सावरिया ने सबसे सुमन के चुन चुन करके चुन चुन कर हार बनाए हैं। अपना छोटू गजब, अपना छोटू गजब जो गजब की ताल लगाए छोटे। सावरिया ने शब्द सुमन से चुन चुन कर हार बनाए हैं। अपना छोटू गजब, अरे गजब की ताल लगाए हैं। और नारायण भैया एक लाइन और लिख दी गई, क्या बेटे क्या, टीटू मुन्नू सिंह सह गायक। वाह बेटा वाह, आज बहुत आज बहुत धन हो गए। ये भी आए हैं, ये जीजा साले हैं। अरे टीटू मुन्नू सिंह सह गायक इस मोहन में छाए हैं। अरे श्रद्धा भाव से आकर जनता, यहाँ जाने कितने समिति के लोग भी आए हैं, जाने कितने ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच संयुक्त परिवार एक परिवार आर्यावत परिवार बुंदेलखंड उत्थान समिति, जाने कितने लोग आए हैं। अरे टीटू मुन्नू सिंह सह गायक इस मोहन में छाए हैं। श्रद्धा भाव से आकर जनता गुरुओं को भेंट चढ़ाए हैं। और इस जनता ने भी जब भेंट चढ़ा दी तो अब बचे सचदेवा शरारती, शरारती हीरा से जवाहर। यानी जवाहर बाबा यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे भी जवाहर बाबा यहीं ना कहीं मौजूद हैं। शरारती हीरा से जवाहर, शरारती हीरा से जवाहर, जय हो कमल गुरु बाबा की। यानी कमल बाबा भी यहाँ पर विद्यमान है और एक कमल गुरु बाबा हमारे भी कहीं ना कहीं विद्यमान है। तो शरारती हीरा से जवाहर, जय हो कमल गुरु बाबा की। एक बार सब मिलकर बोलो जय गंगा गिर।
हमारे परम सदे उर्शीद अहमद जी सभासद साहब, आप तो से 200 रुपए का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कहना पड़ा क्या? ए बात कर रहा हूँ ना अयोध्या, बात कर रहा हूँ ना अयोध्या, मथुरा काशी ना काबा की। ए बात कर रहा हूँ ना अयोध्या, मथुरा काशी ना काबा की। एक बार सब मिलकर बोलो जय गंगा गिरी बाबा की।